नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल म्यूजिकल बिलियनेयर पे। मैं हूँ सुमन सरकार, प्रोफेशनल गिटारिस्ट एंड क्लासिकल सिंगर। तो फिर से एक नया यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी लेकर सबके बीच में हाजिर हूँ। तो आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि इसमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है, फीस कितनी है, सीट कितनी है। तो इसी के बारे में आज पूरी हम लोग बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि म्यूजिक से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। सबसे पहले बात करेंगे कि प्रयाग संगीत समिति क्या है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो म्यूजिक फैकल्टी है उसे ही प्रयाग संगीत समिति कहते हैं। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो म्यूजिक फैकल्टी है उसे फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कहते हैं, उसी तरह जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का म्यूजिक से जुड़ा हुआ जो काम संभालता है, म्यूजिक से जुड़ा हुआ सारी चीज़ें करता है, उसे प्रयाग संगीत समिति कहते हैं। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मान लीजिए कि अगर आपको इस यूनिवर्सिटी से एडमिशन चाहिए और आप किसी कारण से यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहते हैं, रेगुलरली घर रहकर ही सारा पढ़ाई करना चाहते हैं और आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना जाना पड़े, तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। अगर आप डिस्टेंस से पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्रयाग संगीत समिति में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। प्रयाग संगीत समिति इंडिया के हर पार्ट में फैला हुआ है। आप इंडिया की किसी भी जगह से है इस यूनिवर्सिटी में डिग्री ले सकते हैं। इसके लिए आपको पता करना होगा कि आपके आसपास ऐसी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो प्रयाग संगीत समिति से मान्यता प्राप्त हो और जो प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डिग्री कराता हो स्टूडेंट्स का, ठीक है। आजकल मैक्सिमम जो म्यूजिक यूनिवर्सिटी है वो प्रयाग संगीत समिति से अफिलेटेड होता है, क्योंकि बच्चों को वहीं से डिप्लोमा की सर्टिफिकेट या जो भी बीए लेवल की सर्टिफिकेट है प्रोवाइड कराती है। जैसे कि हमारा है बनारस में हमारा इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रयाग संगीत समिति से अफिलेटेड या मान्यता प्राप्त है। आप डिस्टेंस से अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से म्यूजिक की डिग्री करना चाहते हैं तो हमारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में प्रयाग संगीत समिति का सेंटर है, जहाँ से हम स्टूडेंट को डिप्लोमा बीए इन म्यूजिक प्रभाकर जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जिसमें आपको ऑनलाइन के माध्यम से क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं रेगुलरली। अगर कोई ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है, बशर्ते आपको वाराणसी आना पड़ेगा और यहाँ पे रह के पढ़ाई करना होगा। इसके बाद आपको साल में एक बार थ्योरी और एक बार प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ये दोनों फैसिलिटी ऑनलाइन अवेलेबल है, और अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं एग्ज़ाम तो ऑफलाइन भी आके यहाँ पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी ऊपर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। इसके साथ अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो इसके लिए भी हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ से हम लोग के जो सेंटर है वहाँ से ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के इंडिया में। जो है आपको इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की जो है क्लासेस दी जाती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको दिए जाएंगे जो कि आपको बहुत मदद करेगी थ्योरी जो है एग्ज़ाम क्रैक करने में। वंस आपका थ्योरी क्रैक हो गया तो उसके बाद प्रैक्टिकल की भी तैयारी कराई दी जाती है हम लोग में पूरा तरीके से, तो आप प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम दे सकते हैं और बहुत ही आसानी से किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जो है मनचाहा यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं प्रयाग संगीत समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ हूँ। तो ये जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उसका मैं पढ़ देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप मेरे कर्सर को फॉलो करिए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो है लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ऐसे आप यहाँ पे भी आके देख सकते हैं प्रयाग संगीत समिति .co.in। तो ये अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो आप सीधा इस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इसी यूनिवर्सिटी में कि कैसे कोर्स है, क्या फीस है, कौन कौन से कोर्स है जिसमें आप डिप्लोमा एमए बीए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं जो है जो भी है ये फोटोज़ है, ठीक है, क्योंकि प्रयाग संगीत समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बहुत ही सुंदर सा धुन बजता है जिसकी वजह से मेरा वॉइस जो है वो प्रॉपर रूप से नहीं आ पाता है। तो ये एक फ़ोटो है, ठीक है, मैं जो भी इम्पोर्टेंट्स वहाँ पे वेबसाइट में थे उसका मैं फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ और आपको इसी के माध्यम से जो है एक्सप्लेन करूँगा। तो
आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इस वीडियो को। तो मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, देखिए यहाँ पे सारा चीज़ें दिया हुआ है, होम, अबाउट, मेरे कर्सर को फॉलो करते रहिए, उसी के हिसाब से मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। कोर्सेज के बारे में दिया हुआ है, देखिए एग्जामिनेशन, गैलरी, हॉल ऑफ फ्रेम, डाउनलोड है यहाँ पे, एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, रिजल्ट, कंपटीशन, कॉन्टेक्ट अस, देखिए यहाँ पे जाएंगे तो नंबर वगैरह देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ कोर्स पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो कोर्स आएगा गाइस वो है आपका वोकल का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वोकल म्यूजिक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए वोकल म्यूजिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो वोकल म्यूजिक में कौन कौन से कोर्स है और किस किस चीज में है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है वोकल डिप्लोमाज अवार्डेड, मतलब वोकल म्यूजिक में कौन कौन से जो है कोर्स है। तो सबसे पहले देखिए ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इसको क्या बोलते हैं, जूनियर डिप्लोमा। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इसको क्या बोलते हैं, सीनियर डिप्लोमा। मतलब कि 2 साल जूनियर डिप्लोमा, 2 साल सीनियर डिप्लोमा, मतलब ऑल टुगेदर 4 साल का हम लोग का क्या हो गया, डिप्लोमा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है फिफ्थ ईयर एंड सिक्स ईयर। फिफ्थ ईयर एंड सिक्स ईयर गाइज इसमें संगीत प्रभाकर, मतलब बी ए लेवल का ये कोर्स है, ठीक है। फिर सेवेंथ ईयर, एट ईयर, प्रवीण संगीताचार्य, ये मास्टर लेवल का कोर्स है प्रयाग संगीत समिति में, मतलब 4 साल का डिप्लोमा, 2 साल का बीए एंड 2 साल का मास्टर, तो ऑल टुगेदर 8 ईयर्स में आपका पूरा मास्टर कंप्लीट हो जाएगा प्रयाग संगीत समिति से, ठीक है। तो ये 3 तरह का कोर्स दिया हुआ है, डिप्लोमा, बीए इन म्यूजिक एंड एमए इन म्यूजिक, ठीक है, प्रयाग संगीत समिति में। ये तो हो गया कोर्स, अब किस किस चीज में है ये, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन सब्जेक्ट्स। एग्जामिनेशन सब्जेक्ट्स मतलब कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स है, क्योंकि जो गायन है, गायन में भी कई सारे कैटेगरी है, तो उसमें भी आपको इसमें कौन कौन से मिल जाएंगे देखने के लिए, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्लासिकल वोकल, ठीक है, क्लासिकल वोकल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें तराना, ख्याल, ध्रुपद, धमारी, सारी चीज आ जाता है। तो कोई कन्फ्यूज ना हो कि इसमें ध्रुपद, धमार, ये सब क्यों नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, तो क्लासिकल वोकल में सारी आ जाती है, ठीक है। तो भाव संगीत अप टू सीनियर डिप्लोमा, मतलब इसमें भाव संगीत जो है एक तरह का जो है गायन के प्रकार है, ये फोर्थ ईयर तक आप कर सकते हैं, उसके आगे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे देखिए रविंद्र संगीत लिखा हुआ है। रविंद्र संगीत जो है गाइस ये बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस है, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर जो कि बंगाल के थे और इन्होंने ही नेशनल एंथम लिखा था, इनके द्वारा काफ़ी म्यूजिक में काम भी इन्होंने किया है, काफ़ी गाने जो है इन्होंने दिया है हमारे इंडियन म्यूजिक को, और इनके द्वारा अलग अलग पद्धति भी है म्यूजिक में। तो उसमें अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो वोकल और गिटार इसमें दोनों है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, वोकल एंड गिटार दोनों में आप रविंद्र संगीत कर सकते हैं। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है नजरुल गीत। नजरुल गीत एक प्रकार का गीत है, इसमें भी आप कर सकते हैं डिप्लोमा वगैरह प्रयाग संगीत समिति से। फिर देखिए यहाँ पे बांग्ला कीर्तन लिखा हुआ है, ठीक है, बांग्ला कीर्तन गाइस बंगाल में बहुत फेमस है, ये एक तरह का भजन होता है जिसमें पखावज और नाल, तबला, हारमोनियम के साथ जो है ईश्वर की आराधना की जाती है, इसी को कीर्तन बोलते हैं, मतलब एक तरह का भगवान का भजन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अतुल प्रसाद, रजनीकांत, दिवजेंद्र गीत, ये भी एक तरह का गीत है। तो इसमें देखिए यहाँ पे उसके बाद लिखा हुआ है शबद कीर्तन, गुरु बनाए, सूफी संगीत। तो ये सारी चीज़ें में जो है आप प्रयाग संगीत समिति से डिप्लोमा, बीए एंड एमए की जो है सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का वोकल म्यूजिक के बारे में, ठीक है, वोकल म्यूजिक के बारे में ये हो गया, ठीक है, और कौन कौन से कोर्स है और किस किस में है। तो अगर आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट में डिप्लोमा, बीए, एमए करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर से कर सकते हैं, हम आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, और है भी हम लोग के पास बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं जो कि इन सारे सब्जेक्ट्स को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें या कॉलिंग करें, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये हो गया वोकल म्यूजिक के बारे में, आइए अब हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में भी गाइस सेम कोर्स है, बीए, एमए एंड डिप्लोमा, 4 साल का जो है डिप्लोमा है, फिर 2 साल का संगीत प्रभाकर मतलब बीए, फिर संगीत, देखिए यहाँ पे सेवेंथ ईयर को प्रवीण फर्स्ट ईयर एंड एट्थ ईयर को प्रवीण संगीताचार्य, मतलब यहाँ पे जो एमए है उसको 2 भागों में बांटा गया, एक्चुअली इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, ये
सिंगिंग में भी हो सकता था, वोकल में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है, ठीक है। तो डिप्लोमा बीए एंड एमए, आइए देख लेते हैं किस किस चीज़ में आप कर सकते हैं बीए एमए एंड डिप्लोमा, ठीक है। तो सबसे पहले इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में चार वाद्य हम लोग का है, क्योंकि पूरे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको चार भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इन्हीं चार भागों में जो जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए तंत्र वाद्य, तंत्र वाद्य मतलब होता है गाइस यहाँ पे तार से बने बजते हैं जो भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे वीणा, विचित्र वीणा, सितार, सरोद, गिटार एंड संतूर, तो ये सारे तार से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें आप कर सकते हैं मास्टर तक, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे देखिए वितत्तवाद, ये भी एक वाद्य का प्रकार है, इसमें सारंगी, इसराज, दिलरुबा एंड बेला, वॉयलिन भी इसको बोलते हैं, ये भी आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे घन वाद्य मतलब जो भी वाद्य जो कि मेटल का प्रयोग करता है, जैसे जल तरंग, नल तरंग, ये गाइस आप लोगों ने बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं, इसको इंटरनेट पे सर्च करिए या यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको इसके बारे में वीडियो और इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सुषिर वाद्य आ जाते हैं हम लोग में चौथे नंबर पे, सुषिर वाद्य है गाइस, सुषिर वाद्य मतलब फूक से बजाने वाले, हवा भर के, इसमें फ्लूट, सहनाई, कैलोरोनेट भी एक तरह का सहनाई की तरह इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें और भी इंस्ट्रूमेंट आते गए जैसे हारमोनियम हो गया, इन सारी चीज़ों से आप डिप्लोमा कर सकते हैं पर्याय संघ समिति से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अवनद वाद्य, ठीक है, अवनद वाद्य मतलब गाइस होते हैं वो वाद्य जो कि चमड़े से बजते हैं, जैसे तबला, पखावज, और भी बहुत इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ढोलक हो गया, नाल हो गया, ठीक है, और शंकर जी का जो डमरू है वो भी अवनद वाद्य में ही आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सारे इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स जिसमें आप पर्याय संघ समिति से डिप्लोमा, मास्टर एंड बैचलर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप सीखना चाहते हैं या उसमें डिप्लोमा वगैरह की सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, इसमें हम लोग सारे टीचर्स प्रोवाइड कराते हैं और साथ साथ क्लास और डिप्लोमा की सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होगा, आप ऑनलाइन क्लास लेंगे, एग्ज़ाम आके यहाँ पे सेंटर पर दे सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन की सुविधा भी अवेलेबल है। तो ये हो गया हम लोग का इंस्ट्रूमेंट का जो है डिपार्टमेंट हम लोगों ने कवर किया। तो आइए अब देख लेते हैं लास्ट जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये जो है गाइस हम लोग का डांस डिपार्टमेंट है, ठीक है। डांस बहुत ही खूबसूरत कला है ये भी, तो डांस डिप्लोमाज अवार्डेड मतलब डांस में भी गाइस सेम चीज़ें है, 4 साल का डिप्लोमा, 2 साल का संगीत प्रभाकर एंड 2 साल का मास्टर, ठीक है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं बात करते, सीधा इसके सब्जेक्ट पे जाते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें आप जो है डांस में कोर्स कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कथक है, भरतनाट्यम, मणिपुरी, उड़ीसी एंड रविंद्र नृत्य, ठीक है, ये चार कैटेगरी है जिसमें आप लोग जो है डांस में जो है कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भरतनाट्यम भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको जो भी इसमें से डांस का फॉर्म पसंद आए आप इसमें से कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन डांस सीखना है या कोर्स करना है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। ये हो गया हम लोग का तीनों डिपार्टमेंट, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस डिपार्टमेंट के बारे में। तो देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है जो कि लोग पूछते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोर्स फीस दिया हुआ है, ठीक है गाइस, कि इसके कोर्स के जो है फीस कैसे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कोर्स के फीस बताने से पहले मैं आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये जो फीस वगैरह बताया गया है वो उन स्टूडेंट्स के लिए दिया बताया गया है जो कि पर्याय संगीत समिति में जाके फिजिकली क्लास अटेंड करते हैं रेगुलरली और वहाँ जाके पढ़ाई करते हैं रेगुलरली, कॉलेज जाते हैं, ठीक है। अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं, जैसे हमारे सेंटर से करना चाहते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन से करना चाहते हैं भारत में, तो उसका फीस जो है थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। इसका फीस के बारे में आपको अगर पता करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर बता दूंगा कि प्राइवेट जो फीस होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ट्यूशन फीस फॉर द स्टूडेंट्स अटेंडिंग क्लासेज रन बाय पर्याय संघ समिति एट अलाहाबाद, देखिए आप साफ साफ लिखा हुआ है कि अलाहाबाद में जो क्लासेज चलेंगे उसके फीस है। देखिए एडमिशन फीस 50 रुपये, बहुत ही कम फीस है गाइस, अगर आप वहाँ पे अगर बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, आपके पास बहुत ही फाइनेंशियली क्राइसिस है, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, बहुत ही कम फीस लेते हैं वो लोग, बस आपका रहने खाने का फीस का जो भी खर्चा आएगा, ठीक है। तो री एडमिशन फीस मतलब फिर से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं सेमेस्टर वाइज, अगले साल एक 3-4 साल का होता है, तो पहले साल में 50 रुपये, अगले साल 25 रुपये, लेट फीस आपको 1 रुपया देना पड़ेगा अगर आप लेट फी पेमेंट करते हैं, ठीक है। बहुत ही गाइस ये म्यूजिक को ध्यान में रखते हुए ये इंस्टीट्यूशन जो है रन करती है, बच्चों को म्यूजिक सिखाना ही इसका अल्टीमेट मोटो है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं भी। तो ये पर्याय संघ समिति जो है ये बहुत ही स्पेशल टाइप का एक इंस्टीट्यूशन है भारत में जो कि म्यूजिक को आगे लेके जा रही है, ठीक है। तो मंथली फीस यहाँ पे देखिए दिया हुआ है,
तो यहाँ पे मंथली फीस दिया हुआ है गाइस, देखिए प्रवेशिका 101 रुपये फर्स्ट ईयर, प्रवेशिका मतलब जो फर्स्ट ईयर होता है ठीक है गाइस, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर दिया हुआ है ठीक है। इस सारी चीज़ का फीस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, आप अगर देख सकते हैं इसको, मैं जूम करके एकदम अच्छे से आप लोग के सामने इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ ठीक है। तो ये फीस के बारे में हो गया, और ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कि वहाँ पे जाके क्लासेस अटेंड करते हैं ठीक है। तो फीस के बारे में बात हो गई, अब देखिए गाइस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है ठीक है, एलुमनी के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। एलुमनी मतलब गाइस वहाँ पे जो जो पढ़ चुके हैं, देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली है, देखिए यहाँ पे पंडित अशोक पांडे तबले से हैं, पंडित किशन महाराज बहुत ही बड़े नाम है, तबला है ठीक है, इनका तबला था, मैं तबला बजाते थे ये भी इस जगह से पढ़ाई किए। पंडित रामाश्रय झा, देखिए ये बहुत बड़े आदमी है और ये हमारे गुरुजी के भी गुरु हैं, तो इन्होंने भी इसी जगह से वोकल की ट्रेनिंग लिए थे ठीक है। श्री जगदीश सिंह, जगदीश सिंह को कौन नहीं जाते हैं, गजल सम्राट ठीक है। और यहाँ पे स्मृति शारदा देवी, शोभना नारायण, देखिए बहुत ही गिने चुने नाम यहाँ पे दिए हुए। छन्नू लाल मिश्र जो कि बनारस घराने के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये भी उसी यूनिवर्सिटी से। पंडित राजन साजन मिश्र बनारस घराने के, अगेन वहीं से पढ़ाई किए हैं। देखिए और भी है बहुत सारे, इसमें कमला बोस, मालिनी अवस्थी, ये बहुत बड़ा नाम है, शोभा मुद्गल, ये भी वहीं से है। रविंद्र जैन, देखिए यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर थे ये ठीक है, ये बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे जो कि रामायण वगैरह में बहुत ज़्यादा म्यूजिक दिए, इन्होंने भी उसी जगह से पढ़ाई किया था ठीक है। ये हो गया एलुमनी के बारे में। आज लास्ट बचा हुआ है गाइस इसका कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस देखिए यहाँ पे, देखिए कई सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है ठीक है, वो सीधा यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रयाग संगीत समिति का एड्रेस दिया हुआ है, इसका एड्रेस कहाँ है गाइस, प्रयाग संगीत समिति यहाँ देखिए कमला नेहरू रोड सिविल लाइन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इसका पिन कोड दिया हुआ है, आदित्य नारायण ट्रेजर प्रयाग संगीत समिति, ये सारे दिया। देखिए यहाँ पे जीमेल भी दिया है, अगर आप जीमेल करना चाहते कर सकते हैं। फिर देखिए कॉन्टेक्ट अस में गाइस यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, सेक्रेटरी प्रयाग संगीत समिति, रजिस्ट्रार प्रयाग संगीत समिति, डायरेक्टर एकेडमी, ये सारा जो नंबर्स दिए हुए हैं ठीक है। यहाँ पे वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं, एक्सेप्ट संडे एंड रजिस्टर हॉलीडेज, 4 से 4:30 से 8:30 तक आप शाम को कॉल कर सकते हैं इसका ठीक है। तो ये हो गया पूरा प्रयाग संगीत समिति के बारे में एक ओवरव्यू, इसमें कौन कौन से कोर्स है और किस किस चीज़ में आप इसका जो है कोर्स कर सकते हैं इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को कोई इंक्वायरी है कमेंट में आप लोग लिखिए, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो शो कर रहा ही होगा आपको ठीक है, उसके जाके व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पर मिलूँगा। साथ में मेरे इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट मैं डालता रहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो कि जिसके बारे में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो इज़ अ लेंथी वर्क ठीक है, तो काफ़ी टाइम लेता है बनाने में। तो अगर आप तुरंत तुरंत अपडेट होना चाहते हैं, सपोज़ कि किसी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आ गया कि भाई इसका एग्ज़ाम होने वाला है, इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है या एनीथिंग कैन बी ओके, तो इसका जो है अगर आप तुरंत अगर आप इसका लेना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, तो मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को विजिट करता रहता हूँ, इसके वेबसाइट की विजिट करता रहता हूँ, तो मैं मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और साथ ही साथ मैं म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को वेरी फ्रिक्वेंटली हमें इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, फेसबुक का दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके वहाँ से जुड़ जाइए, फॉलो करिए मेरे पेज को ठीक है, आगे बढ़ाइए इसको। म्यूज़िक अभी भी बहुत ही लोगों को जानकारी नहीं है तो मैं बना रहा हूँ, तो आप लोग सपोर्ट करिए। इसके साथ ही अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं या सिंगिंग सीखना चाहते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डिप्लोमा करना चाहते हैं, बाकी चीज़ मैं बता ही दिया हूँ, तो नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।